बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मुंबई मेट्रो का किराया बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर हरी झंडी दे दी है, यानी अब किराया बढ़ना मेट्रो का तय है। इससे पहले आपको बता दें, ये मामला कोर्ट में था, क्योंकि और अब यहां से सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अहमद अजीम जुड़ गए और जानकारी के साथ। अहमद, जो पहले प्रपोज किया गया था किराया उतना ही रहेगा, और कब से बढ़ेगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए मीनाक्षी, MMRDA ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करी थी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो कमेटी थी, फेयर फिक्सेशन कमेटी, उसने किराया जो रिकमेंड किया था 10 रुपए से 110 रुपए की रेंज में, उसको अपहेल्ड किया था। और इसी के अगेंस्ट में MMRDA जो है वो सुप्रीम कोर्ट आई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि रिलायंस जो कि ऑपरेट करती है मुंबई मेट्रो को और किराया बढ़ाना चाहती है, तो अब किराए बढ़ सकते हैं, यानी उसको बढ़ाने को लेकर अब कोई रोक नहीं रह गई है। अब ये रिलायंस के ऊपर है कि वो कब जो है किराया उसमें बढ़ाती है। जी शुक्रिया अहमद आपका ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।